अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बात क्या ज़रूरी, एक इमदाद आप लोगों से चाहता हूँ। बात दरअसल ये है कि हमारे मामू, जिनका नाम मोहम्मद रफ़ी है, उम्र तकरीबन 42 साल है, वो कई दिनों से बीमारी के हालत में गुजर रहे थे। वो मेरे मामू ऑटो भी चलाते हैं, तो अभी फ़िलहाल बहुत सख्त बीमारी से गुजर रहे हैं। उनको टीबी हो गया है, जिसका रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में लगाता हूँ। उनका इलाज राजीव गांधी के हॉस्पिटल में चल रहा है, जो पंच के करीब में है। वहाँ पर उनको एडमिट किए हैं और उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर इलाज में दवाई वगैरह का बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है और बेड का भी खर्च आ रहा है। रोज़ाना करीब 3,000-4,000 रुपये का खर्च है, और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, सिर्फ हमारे मामू थे जो ऑटो वगैरह चलाकर गुजारा करते थे। और बहुत करीब एक साल से भी वो ऑटो नहीं चला रहे हैं, और गुजारा घर का उनके अहलिया यानी उनके वाइफ थोड़ी बहुत काम काज करके घर चला रहे हैं, मगर दवाई के लिए बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है। और एक इंजेक्शन भी है, जो प्रोटीन का इंजेक्शन है, जो एक इंजेक्शन करीब 7,000 रुपया है, जो उसकी अचल ज़रूरत है, जिसका रिपोर्ट भी मैं आपको भेजता हूँ। और बहुत सारे दिन यहाँ पर रहना भी पड़ेगा, तो उनके अखराजात का बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। और टेस्ट वगैरह से भी बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ से भी इमदाद आएगी। और आप हजरात से भी गुजारिश है कि आप हजरात भी अपने तरफ से जो भी जितना भी हो सके इनकी मदद करें, जितना भी हो सके। आप चाहे कितना, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे भी दें, जितने आपके हाथ से हो सकता है उनकी इमदाद कर अल्लाह के यहाँ अज्र पाएँ। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट पर उनका गूगल पे का स्कैनर लगा रहा हूँ और उनका मोबाइल नंबर भी लगा रहा हूँ। चाहे तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं और तहकीकात भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद फरमाएँ, और इनकी इमदाद करेंगे तो अल्लाह ताला उसका अज्र सवाब देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, एक साल से एडमिट होने वाले को टीबी की बीमारी आपको, खून चढ़ाना, फिर प्रोटीन की इंजेक्शन सब डालना, इसलिए वास्ते मदद की ज़रूरत थी। इसलिए ज़रा कोशिश करके ज़रा मदद करें तो अच्छा है अल्लाह के वास्ते। खर्चा कितना आता है उसको? खर्चा अभी एक साल से तो बहुत होगा, अब इसके बाद काफ़ी एक 30-40 हज़ार तक बता रही हूँ, खून ये वो चढ़ाने का। इंजेक्शन बोल कितना है? वो इंजेक्शन डालना कहते हैं 7,000 रुपये बोल रही हूँ इंजेक्शन को। खून का लेक चढ़ा है, अब भी चढ़ाना कहते हैं खून को, भी फिर को ले लगाना वो 6,000-2,000 खून के होती। और यहाँ राशन कार्ड में तो बिल्ला बहुत हो रही हैं, खून रिपोर्ट आन सब करने तो सब अब तक आ गए बिल 40,000 तक। अभी एक 20-25 हज़ार का खर्चा। मेरा स्कैनर है? मेरा स्कैनर है, इंशाल्लाह स्कैनर दे दूँ। खैर, अच्छे खैर अहले खैर हजरात, मेरी इमदाद करें। अहले खैर हजरात, मेरी थोड़ा इमदाद करिए। फ़ोन पे पेटीएम गूगल फ़ोन पे सब, जितना भी हो सके आप अपनी तरफ से मदद करें, अपने तरफ से मदद करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करें।